हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो मॉर्निंग का समय है, बच्चे स्कूल चले गए थे, फिर मैंने गेहूँ डाल दिया था क्योंकि आटा खत्म हो गया था। तो धोया हुआ गेहूँ, बस थोड़ा सा धूप लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग 10 बज गया था तो आ गए थे, दो तीन लोग मिल के मार्केट आए थे क्योंकि नवरात्र आया है तो उसके लिए शॉपिंग करनी थी। तो जो साथ में लोग थे उन लोगों ने साड़ी खरीदी थी लेकिन मैंने नहीं खरीदी थी। ये बताइएगा कि कौन सी दुकान है, गोरखपुर की काफ़ी फेमस दुकान है। तो फिर उसके बाद हम लोग आए थे भगवान जी के का जहाँ सामान बिक रहा था माता रानी का, वहाँ से कुछ सामान हमने लिया था माता रानी के लिए, दुर्गा सप्तशती और कुछ और पूजा का जो सामान था वो हमने खरीद लिया था। फिर हम लोग आ गए थे किराने की दुकान पे, वहाँ से हमने किराने का काफ़ी सारा सामान लिया, पूजा का भी जो हल्का फुल्का जो अगरबत्ती का पूरा था ये सब हमने यहीं से लिया था। ये थोक की दुकान है तो बस यहाँ से सारा सामान हो गया था। तो आने में हम लोगों को बच गया था शाम के 4। फिर आने के बाद मैंने जो है गेहूँ था उसको फटक के भेज दिया था तो आटा पीस के 7-8 में ही आ गया था। फिर मॉर्निंग हुई थी, मॉर्निंग में काढ़ा बना लिया था, आलू और परवल की मसाले वाली सब्जी बनाई थी, रोटी बना दी थी, बेटे के लिए पराठा बना दिया था तो उसको पराठा और सब्जी दे दिया था तो वो ले कर चला गया था। हस्बैंड के लिए रोटी बनाई थी, अपने लिए रोटी, तो सबके लिए खाना मैंने सुबह ही 8 बजे तक बना दिया था। दाल भी बना दिया था साथ में, चावल बस नहीं बनाया था क्योंकि मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो बस ये बेटी बोली थी मुझे टिफ़िन में चीला ले जाना है तो उसके लिए सूजी का चीला बना दिया था, जब आटा गूंथ रहे थे तभी भिगो के रख दिया था। फिर सारी सब्जियां डाल के मैंने इस चीले को बना दिया था। हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। तो उसके लिए 2 चीला बना के उसके सॉस के साथ उसके लंच में रख दिया था, वो भी ले कर चली गई थी नाश्ता करके। फिर आ गए थे जो है कुछ डब्बे, जो सामान हम ले आए हैं तो पूजा वाला सामान रखने के लिए मैंने ये स्टील का डब्बा जो है, जिसमें मैं आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई मैं किचन का सामान जो भी होता है एक्स्ट्रा वो इस डब्बे में रख देती हूँ, तो इस बार मैंने इसको अच्छे से धुल के धूप में सुखा दिया है ताकि मैं इसमें जो है पूजा वाला जो भी खाने पीने का काफ़ी सारा सामान हो जाता है 9 दिन के व्रत में तो मैं वो रख दूँगी। तो बस उसके लिए 3-4 डब्बे जो थे, जो भी खाली डब्बे लगते हैं उसको सारे धुल दिए थे। तो जैसे जैसे डब्बे खाली होते जाते हैं उसे धुल देते हैं, धुल के धूप में रख देते हैं तो अच्छे से सूख जाता है और सही भी रहता है कि हर महीने में सामान स्टोर करने से पहले। और स्टील का डब्बा तो एकदम से 1 से 2 बार बस हल्का सा सर्फ लगा दो तो साफ हो जाता है। तो ये हो गया था साफ, इसको मैंने धूप में रख दिया था। फिर मुझे आज करनी थी अपने बेड रूम की क्लीनिंग, तो एक एक रूम सोचे थे कि क्लीन करेंगे क्योंकि तबीयत उधर ख़राब थी तो कमजोरी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो सोचे कि एक एक करके करेंगे तो इससे वीकनेस भी नहीं महसूस होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो आज मैंने अपने रूम की क्लीनिंग सोचा था, रूम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही रूम है, तो बस उसके पर्दे मैंने निकाल दिए थे, पर्दे निकाल के रख दिए थे। फिर मैंने चादर हटा के गद्दे का खोल भी निकाल दिया था और गद्दा मैंने छत पर डाल दिया था सूखने के लिए, अच्छे से सूख भी जाएगा और तब तक मैं इधर जो है मशीन लगा दूँगी तो खोल है पर्दे हैं वो सारे एक तरफ धुलते भी जाएंगे, साथ में क्लीनिंग भी होती जाएगी। तो ऐसा ही है, जब क्लीन करना होता है तो धीरे धीरे के अगर पेशेंस के साथ किया जाए, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम शांति रहती है, अच्छे से मतलब अच्छे से सब लोगों के जाने के बाद ही मैं ये सारे काम करती हूँ तो अच्छे से सब हो जाता है। धीरे धीरे नहाई नहीं थी मैंने क्योंकि मुझे झाला झाड़ना था तो सोचा कि बाद में जो है करूँगी। तो बस ये हो गया था, तो बस दोनों गद्दों का मैंने खोल निकाल दिया था, डबल चौकी है तो डबल चौकी पर डबल गद्दे लगे थे तो इसको निकाल के मैंने जो है रख दिया था। फिर मैंने जो है झाले या जो भी थे उसको जो है धीरे धीरे करके सारे मार दिए, क्लीन कर दिए अच्छे से, जो है कोलीन से जो है खिड़की दरवाजे जो भी थे उसको सारे मैंने पोछ दिए थे। पोछ करके क्लीनिंग का काम करते करते मुझे बच गए थे 12 बजे तक, मतलब 10:30 तक शुरू किया था, यानी 2 घंटे मात्र एक कमरे में लगे थे। और लेकिन क्लीन काफ़ी अच्छे से की थी। अभी दिवाली आने वाली है तो फिर दिवाली में भी करना है, लेकिन डीप क्लीनिंग मैं हर साल नवरात्र में करती हूँ क्योंकि 9 दिन का जब रहता है और वैसे भी त्यौहार जब शुरू होते हैं तो क्लीन कर दो तो फिर दिवाली में थोड़ा सा कम ही रहेगा। तो बस ये हो गया था। फिर मैंने जो पर्दे वाला डंडा है उसको भी उतार के उसको भी कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था क्योंकि थोड़ा बहुत धूल धक्कड़ लगा रहता है, तो ये भी क्लीन हो गया था। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हुए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो पंखे की भी क्लीनिंग कर लिए थे, तो स्टूल रखे थे उस पर चढ़ के जो है बहुत अभी कुछ ही दिन पहले पंखे को अच्छे से पोंछे थे, तो बस जो है हल्का सा अपना से पोछ दिए थे, साथ में थोड़ा सा कोलीन लगा दिए थे तो पंखा जो है मेरा एकदम साफ हो गया था। तो वैसे भी बराबर से सफाई करते रहो तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, जब काफ़ी दिन हो जाता है सब क्लीनिंग नहीं करो तो ज़्यादा मेहनत लगती है, तो थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग हमेशा जो है करते रहना चाहिए ताकि क्लीनिंग का काम जो है वो काफ़ी मतलब अच्छे से होता रहे।
तो बस यही था। तो बस ये सब अपने जो भी बेडरूम का काम है आज इसको फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद कल जो है बेटी के जो है रूम का क्लीनिंग कर लेंगे, बच्चों के रूम की क्लीनिंग कर लेंगे। तो इस तरह धीरे धीरे करके तीन दिन, अभी चार दिन है नवरात्र में, तो बस क्लीनिंग आज जो भी है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे काम करने से थकान भी नहीं होती है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो बस अभी जो सारा झाला सब कुछ झाड़ लिए थे, फिर नीचे से जो है झाड़ू लगा के सारे अच्छे से झाड़ू लगा के निकाल दिए थे। निकाल लेने के बाद मैंने लगा लिया था पोछा, फिर नहा धो के हम फ्रेश हो गए थे, फिर दोपहर का चावल बना लिए थे, फिर अभी शाम हो गई थी तो सारे कपड़े धुल के मैंने छत पर डाल दिए थे 2-3 बजे के लगभग। और जो भी सामान लाए थे वो डब्बा सूख गया था, तो फिर मैंने सोचा किसी समय डब्बे में सारा रख दे, नहीं तो उसी तरफ जो है बोरे में पड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो व्रत वाला जो था उसको मैं अलग रख रही थी, और डेली यूज का जो सामान था उसको मैंने अलग रख दिया था, पूजा वाला सामान अलग रख दिया था। और ये हो गई थी रात, तो रात में आया था भतीजा, देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। जा तुम भी जा, दोनों साथ में चलो, आराम से देखना।